नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। साथियों, इस समय लोकसभा चुनाव अपनी पूरी चरम सीमा पर है और मोदी जी से लेकर राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं तो कभी गांव चलो अभियान भाजपा द्वारा चलाया जाता है। आज हम गांव में ही हैं और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र के डिवाई विधानसभा के गाँव जलालपुर में हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जनता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे पुराने जो कांग्रेस सरकार की 75 वर्ष की सरकार थी उसके बारे में भी जानेंगे और अब जो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने किया है उस बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये भोला सिंह से, जिन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है तीसरी बार, उनसे सहमत हैं या नहीं। तो बाबा जी, आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है बाबा जी? मेरा नाम रतन लाल है। अच्छा, लोकसभा चुनाव आने वाला है, किस प्रकार से आप संतुष्ट हैं मोदी सरकार से? सब बात से संतुष्ट हैं, सब बात से। किस प्रकार, कैसे कैसे, मतलब कोई बात तो होगी जो आपको अच्छी लगती होगी मोदी? बढ़िया लग रही है जी, सब चीज़ मिल रही है, हमें तो गरीब आदमी हैं। क्या क्या मिल रहा है? राशन भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रही है, किसान निधि मिल रही है हमें। अच्छा, रोजगार पर क्या राय है आपकी? जैसे जो विपक्ष हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ये लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, यहाँ तक कि पेपर भी लीक हो जाता है भाजपा सरकार में। रोजगार मिलेगा तो सबको मिलेगा, यही सरकार में मिलेगा रोजगार। तो देखिए, अभी बाबा जी कुछ कह रहे हैं, इनसे और बात करेंगे। तो बाबा जी, किसान सम्मान निधि यहाँ पर मिल रही है आपको? सब मिल रही है। और गैस उज्ज्वला जो होती है वो मिली है। अच्छा, अभी भोला सिंह को यहाँ से सांसद का उम्मीदवार बनाया गया है, क्या आपके गांव में वो आए हैं? और आए हैं बीजेपी का पट्टा डाल के बैठे हैं, आइडेंटिटी कार्ड बीजेपी का है, इनसे जानते हैं। डॉक्टर भोला सिंह को टिकट मिला है, कितने संतुष्ट हैं आप इस टिकट? बिल्कुल संतुष्ट ना है जी, क्यों के भोला सिंह ने जलालपुर जट्टगांव आज तक ना देखो। अच्छा, और 10 वर्ष हो गई, हम तो केवल मोदी जी को वोट दे रहे हैं, ईमानदारी बात है। प्रत्याशी कोई सही, हम मोदी जी को वोट दे, भोला सिंह को वोट ना दे रहे हम। वैसे जाएगा भोला सिंह के खाते में वोट, लेकिन हम तो बीजेपी के कट्टरकार बंदा है तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, बात ईमानदारी है। चाहे कोई प्रत्याशी हो या सांसद हो, कोई भ्रष्टाचारी हो या कुछ भी हो, तब भी आप वोट बीजेपी को ही? बिल्कुल देंगे, बीजेपी को देंगे हम तो वोट, मोदी जी को दे रहे हैं, पक्का मोदी जी को देंगे वोट। अच्छा, रोजगार पर आपकी क्या राय? रोजगार पर का यहाँ खा देख रहे हैं, सुनो, गांव की सड़क टूटी फूटी है, नाली नदियाँ टूटी पड़ी है, है? तो ये तो आपकी सरकार में ही है। सरकार में फिर क्या करे, गाँव छोड़ के भग जाए? तो बोलो ना, जैसे आपने प्रतिनिधि चुने हैं उनसे कहो। अरे कौन सुनो, हमारी तो मोदी सुनो, बस से कोई ना सुनो यहाँ। अच्छा, मोदी जी से क्या क्या फायदे हो गए हैं? हमें तो सबरे फायदा है, नो मान लो काई काई के फायदा है। देखो, सम्मान निधि हमें मिल रही है, पेंशन हमें मिल रही है, और गैस सिलेंडर हमें मिल रहा है, नाच हमें मिल रहा है। अच्छा, और बताओ और क्या करें? लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि और भी जो लोग हैं कि वो मुफ्तखोरी में मुफ्तखोर बना रहे हैं लोगों को। उन्होंने 75 साल 70 साल राज करो। अच्छा, उन्हें क्या करो, मुसलमान पेट भरे बस। तो राशन और जितनी भी योजनाएं हैं उसका भी तो लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, उन्हें ज्यादा मिल रहा है। एक एक 12-12 14-14 बालक है, उनको पूरा फायदा, पर फिर एक वोट ना देंगे मोदी जी को? तो फिर आप तो ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस सरकार में ही फायदा मिल रहा था? नहीं, ये ना, तो हमें तो मोदी जी की सरकार में फायदा मिल लो बस ना। मुसलमानों की अभी आपने बोला था, मुसलमान तो सुनो, मुसलमान उनको तो कांग्रेस में ही मिल लो ईमानदारी में, और या में ज्यादा मिल लो। अच्छा, या में ज्यादा मिल लो। राम मंदिर बन गया है। अरे के तो हिंदुओं की नाक है। अच्छा, हिंदुत्व की भावना है, मेरी तो भावना की है कि सारा देशी सारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के क्या फायदे हो जाएंगे, क्या लगता है आपको हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया? हम तो कह रहे तो हम तुम सब भैया एक हैं, हिंदुत्व की भावना ये है, राम मंदिर हमारा बन गया, सब की भावना ये है कि 499 साल बाद ये राम मंदिर का जो है चमत्कारी हुई है।
ये किसके सरकार को आप वो मानते हैं या फिर कोर्ट को मानते हैं राम मंदिर बनाने के लिए? देखो सरकार के ही अंग हैं, आगे समझ में। अरे सुनो, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पढ़ा लिखा एम ए बी एड पॉलिटिकल साइंस, आगे समझ में। मैं सब चीज़ जानता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि हम छोटे वर्ग के आदमी हैं, हम उनके पास नहीं पहुंच सकते, न भोला के पास पहुंच सकते, न मोदी जी के पास पहुंच सकते, लेकिन हमारी आत्मा तो मोदी जी भरे हुए, मोदी और बाबा योगी। तो लग रहा है कि 2024 में तीसरी बार मोदी जी की सरकार आने आएगी पक्की, ये वायदा कर रहा। मेरे मोमबत्ती दांत है, अच्छा, मास्टर रामजी लालू प्रिंसिपल भी हूँ, और पक्की सरकार आएगी देख लेना मोदी जी की। और नहीं आई तो फिर आएगी तो काम छोड़ देंगे, गांव छोड़ दो मोदी जी के लिए। मोदी जी के साथ मोदी जी थैला लेकर चल रहा है, हम उन्हीं के संग चलते हैं। तो मोदी जी तो झोला लेकर जाने वाले थे, वो तो गए नहीं अभी तक। अरे क्या चले जाए, मैं हारे थो रही हैं। अच्छा, हारवे भी तो जाएंगे। तो मतलब यदि मोदी जी झोला लेकर चले गए तो आप भी उनके साथ उन्हीं के संग चल देंगे? मतलब हमें जाओगे कहाँ लेके? उन्हीं संग पीछे पीछे चल देंगे। देखिए बाहू जी तगड़े समर्थक हैं मोदी जी के, और भी यहाँ पर भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार सविता है, उप सचिव सैन्य सभा सेवा समिति जलालपुर जट से हूँ। और देखिए मैं भी हमेशा से बीजेपी का समर्थक रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है ना, हमारे सैन्य समाज की जो उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या है करीब 3-3.5% के आसपास, 3-4% है, लेकिन आज तक हमारी सैन्य समाज को बीजेपी ने कभी महत्व नहीं दिया। अच्छा, लेकिन हम जो है हमेशा से बीजेपी को वोट देते आए हैं ऐसे में, लेकिन उसका हमारी सैन्य समाज को कोई बेनिफिट नहीं मिला, जबकि 4% जो जनसंख्या बहुत होती है ऐसा। तो उसके हिसाब से कम जैसे सपोज करो 80 सीट हैं लोकसभा की, है ना, तो उसमें अगर हमें एक सीट दे दे वो भी उससे भी हमारे समाज बहुत संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा, आपका जो सैन समाज है वो ओबीसी में आता है या ओबीसी में आता है हमारा सैन समाज? ठीक है, ऐसे मत ओबीसी, और जबकि ओबीसी की वजह से ही बीजेपी हमेशा जीतती है। ठीक है, अगर ओबीसी अगर साइड कर दे तो बीजेपी कभी जिंदगी में नहीं जीत सकती। बीजेपी को केवल मोहरा बना रखा है कि ये आपकी कहना मतलब है जनरल की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही अगर ओबीसी अगर कट ऑफ कर दे बीजेपी का, तो किसी भी हालत में जनरल जो है कितना भी जोर लगा ले, लेकिन बीजेपी कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन मेरा हमेशा मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि सैन्य समाज को जिस हिसाब से आप वोट लेते रहते हो कहना मतलब, उस हिसाब से उन्हें भागीदारी भी दो। ऐसा अभी कहना मतलब टिकट नहीं दिया विधानसभा में जो हुए थे, कोई किसी को टिकट नहीं दिया। एक हमारे फिर जब ज़्यादा विरोध हुआ तो हमारे रामचंद्र प्रधान जी हैं, उनको MLC बनाया गया उन्नाव से। ठीक है, तो उन्हें अब उसमें कहना उस टाइम उनको इस वर्ग को कहना मतलब साथ दिया गया MLC बनाने के बाद। तो हम अब लोकसभा चुनाव के कहना मतलब अभी एक लिस्ट जो है निकली होगी। सुनने में ये आ रहा है कि जो मैनपुरी से दावेदार बन रहे हैं वो आपके सैन समाज से ही हैं। लगता है आपको कि बीजेपी सैन समाज की बात सुनने वाली है मैनपुरी को लेकर? देखो सुनेगी तो हम पूरे सपोर्ट के साथ कहना मतलब है और भी समाजों को एग्री करेंगे और मोदी जी को जताएंगे अगर हमारे गौरव नंद जी को टिकट दिया जाता है। ठीक है, अगर नहीं देंगे तो हम इसका विरोध करेंगे, हम नोटा दबाएंगे, हम किसी पार्टी को नहीं टिकट देंगे। ठीक है, हम नोटा करेंगे क्योंकि देखो हर वर्ग के लिए बीजेपी ने सम्मान दे रही है। इधर सैनी समाज हो गया आपका कहना मतलब है, बाल्मीकि समाज हो गया, इसमें तो इनसे तो हम बहुत आगे हैं, हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमें भी उस चीज़ का फायदा मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे अब लोकसभा पर उम्मीदवार बनाए गए हैं डॉक्टर भोला सिंह, हाँ जी जी, लगता है आपको वो कुशल नेता रहे हैं, कुशल सांसद? मेरे हिसाब से अभी बीजेपी ने जिस हिसाब से दिल्ली की जो 4 सीटें डिक्लेयर करी हैं ऐसे में, उसी हिसाब से इनको उत्तर प्रदेश के अंदर भी करना था। ये भोला सिंह तो बहुत बेकार आदमी है, ऐसे में आप चले जाओ शिकारपुर से बुलंदशहर तक का कहना मतलब, अब चुनाव आया है तो इसने स्टार्टिंग कर दिया काम रस्ते का कहना मतलब, अभी तक लोग वह कहना मतलब खड्डों में होकर जाते थे। ठीक है, इसके घर के बराबर से खड्डे में होकर जाते थे, तो ये बंदा जब क्षेत्र में घूमता ही नहीं है तो इसको टिकट देने का मतलब ही नहीं है, बहुत बेकार है कहना मतलब। इसकी जगह जैसे दिल्ली में मीनाक्षी लेखी, नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी जगह सुषमा स्वराज की बेटी को दे दिया है ना, उसी हिसाब से इनको यहाँ से भी किसी और को
उतारना था, नए चेहरे को उतारना था। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मतलब हम नए, अभी देखो विधानसभा चुनाव हुए आपके के मतलब छत्तीसगढ़ हो गया भाई, छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने नया चेहरा उतारा, एमपी में भी नया चेहरा उतारा, राजस्थान में भी नया चेहरा उतारा है ना। जब आप इतनी बड़े कहने मतलब चीफ मिनिस्टर के लिए नया चेहरा उतारते हो तो इसको भी उतारना था, क्योंकि इससे पब्लिक आप मैं ही नहीं, आप यहाँ से जाने के बाद में किसी भी गाँव में चले जाओ कोई भी भोला सिंह का समर्थक नहीं है, केवल पब्लिक मोदी जी की दीवानी है, ठीक है। बाकी अभी लेकिन पब्लिक के दिमाग में अभी यही बैठा हुआ है कि मतलब मोदी जी हैं सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसे में भाई। मोदी जी के साथ साथ हमारा कैंडिडेट भी पढ़ा लिखा शिक्षित और काम वाला होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भोला सिंह तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर वो पढ़ाई लिखाई से मतलब वो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन पे ही नहीं कह रहा, लेकिन उनका जो नेचर है ऐसे में जो दूरी बनाने का नेचर है वो बहुत खराब है ऐसे में। जब तक आप पब्लिक के से अटैचमेंट नहीं रहोगे करने मतलब है तो तब तक वो